नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान में जारी सियासी खींचतान में मंगलवार को बड़ा उलटफेर हुआ। कांग्रेस ने सचिन पायलट पर एक्शन लेते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। साथ ही सचिन पायलट के समर्थन वाले मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी हटा दिया गया है। जैसे ही कांग्रेस ने ये फैसला लिया, पार्टी के इस फैसले के बाद सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया आई है। सचिन पायलट ने ट्विटर पर एक ट्वीट में कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सचिन पायलट की ओर से पूरे मामले पर ये पहली सीधी सीधी प्रतिक्रिया है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने अपने ट्विटर बायो से डिप्टी सीएम हटा दिया है और कहीं भी कांग्रेस का जिक्र नहीं है। सचिन पायलट के ट्विटर बायो में लिखा है, टोंक से विधायक और आईटी, दूर संचार और कॉरपोरेट मामलों के पूर्व मंत्री, भारत सरकार और कमीशन अधिकारी, प्रादेशिक सेना। सचिन पायलट गुट के विधायकों का कहना है कि जब तक मान सम्मान की गारंटी नहीं होगी तब तक वापसी नहीं होगी और मान सम्मान तब तक वापस नहीं मिलेगा जब तक लीडरशिप चेंज नहीं होगी। बताया जा रहा है कि पायलट गुट ने आलाकमान के पास संदेश भिजवा दिया है कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के पद से हटाने पर ही समझौता हो पाएगा। इसके बाद ही कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट और उनके करीबी मंत्री पर एक्शन होगा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सचिन पायलट भ्रमित होकर बीजेपी के जाल में फंस गए और कांग्रेस सरकार गिराने में लग गए। पिछले 72 घंटे से कांग्रेस आलाकमान ने पायलट और अन्य नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की। कांग्रेस की ओर से लगातार सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने लगातार हर बात को नकारा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।